नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और मेरे सामने आज है द ऑल न्यू टीवीएस अपाची आरटीआर 162B। और आज मैं ये आरटीआर 162B का आप लोगों के साथ फाइनेंस स्कीम शेयर करने वाला हूँ। तो यह है न्यू आरटीआर 162B। तो बहुत मेरा व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ने जो है मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया 162B के ऊपर, नया वाला 162B के ऊपर फाइनेंस स्कीम लाने के लिए, तो फाइनली वो वीडियो जो है आज आ चुका है। तो आज का जो वीडियो है आप लोग पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि टोटल मैं आपको चार स्कीम बताऊंगा और चार स्कीम जो है टोटली डिफरेंट स्कीम है। दो मैं बताऊंगा L&T का, दो मैं बताऊंगा TVS क्रेडिट का। तो टोटल दो फाइनेंसर का स्कीम जो है एक ही वीडियो में मैं आज शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और इस बाइक को लेने के लिए आपको कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, कितना लोएस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू यूनिवर्सल TVS कोलकाता। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल TVS कोलकाता में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये न्यू RTR 162B का आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे, मतलब डिटेल वॉक अराउंड आप लोग अगर नहीं देखे, तो आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज का जो स्कीम है वो है डुअल डिस वेरिएंट के ऊपर है। ये है डुअल डिस वेरिएंट, तो टोटल तीन वेरिएंट देखने को मिलता है। अभी तो फिलहाल कोलकाता में BT वेरिएंट मेरे को दिखा नहीं, अगर पॉसिबल होता है बाद में मैं BT वेरिएंट के ऊपर भी फाइनेंस स्कीम अलग से बना दूंगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस मैं आपको इस बाइक का शेयर कर देता हूँ। तो ये जो डुअल डिस वेरिएंट है इसका प्राइस आपको कोलकाता में अप्रॉक्सीमेटली 1,48,000 से 1,50,000 के बीच में इसका ऑन रोड प्राइस आपको कोलकाता में देखने को मिल सकता है। तो एकदम मिनिमम डाउन पेमेंट की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको TVS क्रेडिट का एकदम मिनिमम डाउन पेमेंट शेयर कर रहा हूँ, वो है 16,200 रुपया के आसपास। आप अगर अप्रॉक्सीमेटली डाउन पेमेंट करते हो 16,200 रुपीज के आसपास आप अगर अप्रॉक्सीमेटली डाउन पेमेंट करते हो तो ये बाइक जो है आपको फाइनेंस पे मिल जाएगा। लेकिन उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ये मैं आपको पहले से मेंशन कर रहा हूँ। ये जो लोएस्ट डाउन पेमेंट है ना 16,200 के आसपास आप अगर डाउन पेमेंट करते हो, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ 12% के आसपास इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है। और मंथली आपको जो EMI आएगा वो है, पहले मैं दो साल के लिए बता रहा हूँ, 7,494 रुपीज़, ऑलमोस्ट 7,500 के आसपास आपको 24 महीने यानी दो साल के लिए हर महीने EMI आपको देखने को मिल सकता है। और आप अगर 30 महीने के लिए लेंगे, मतलब 2.5 इयर्स के लिए लेंगे, तो 6,327 रुपीज़, 6,327 रुपया के आसपास आपको हर महीने EMI आने वाला है। और आप अगर 3 साल के लिए लेंगे तो 5,550 रुपीज़ के आसपास, 5,550 रुपया के आसपास आपको 36 यानी 3 साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये जो मिनिमम डाउन पेमेंट है कोई भी बंदा ले सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने का ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। मैंडेटरी जो है वो है आपका इलेक्ट्रिक बिल जो है आपको TVS क्रेडिट में देना ही पड़ेगा, एकदम लोएस्ट डाउन पेमेंट पे लेने के लिए। और TVS क्रेडिट का जो डॉक्यूमेंट लगता है वो मैं पहले आपको मेंशन कर देता हूँ। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक डिटेल्स, ATM कार्ड और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे आपको TVS क्रेडिट में देना पड़ेगा। और आपके पास अगर ATM कार्ड है तो ATM कार्ड कैरी कर सकते हो, आपके पास अगर चेक है तो चेक कैरी कर सकते हो, दोनों में से एक जो है कंपलसरी इसमें लगेगा। और अगर फोटो भी होता है 1 से 2 कॉपी वो भी आप जरूर कैरी कर लेना। तो ये जो है एकदम लो डाउन पेमेंट TVS क्रेडिट का मैं आप लोग के साथ शेयर किया। अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ L&T का मिनिमम डाउन पेमेंट कितना है। तो आप अगर L&T का फाइनेंस स्कीम लेते हो उसके लिए आपको जो है 18,000 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, 18,000 आपको जो है यहाँ पे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और L&T का भी जो स्कीम है उसमें आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने का ज़रूरत नहीं है। आप अगर 18,000 डाउन पेमेंट करते हो, एक चीज़ जो है L&T का ये जो मिनिमम डाउन पेमेंट है ना, एकदम जो लोएस्ट डाउन पेमेंट है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंट्रोल्ड है, काफ़ी हद तक कंट्रोल है। क्योंकि L&T के थ्रू आप अगर फाइनेंस कराते हो तो आपको 18,000 डाउन पेमेंट पे ये बाइक भी मिल जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा। काफ़ी कम मतलब 9.49% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, अंडर 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो आपका मंथली EMI आएगा 6,840 रुपया के आसपास, दो साल के लिए हर महीना EMI आने वाला है 6,840 रुपीज़ के आसपास आपको 24 महीने के लिए हर महीने EMI आने वाला है। और आप अगर 36 महीने के लिए लेंगे तो आपको 4,940 रुपया, 4,940 रुपीज़ के आसपास 36 महीना यानी 3 साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 9.49% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख देखो
मिल सकता है। L&T में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। अभी आते हैं, आप अगर TVS क्रेडिट के थ्रू 38,000 डाउन पेमेंट करते हो उसमें आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो आप अगर 38,000 डाउन पेमेंट करते हो, 38,000 आप अगर डाउन पेमेंट करते हो, और ये जो 38,000 डाउन पेमेंट है ना, ये TVS क्रेडिट का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एक मैं L&T का बता रहा हूँ और एक मैं TVS क्रेडिट का बता रहा हूँ, तो ये आप लोग थोड़ा समझ लेना। अभी जो स्कीम बता रहा हूँ 38,000, ये है आपका TVS क्रेडिट का फाइनेंस स्कीम। आप अगर 38,000 डाउन पेमेंट करते हो तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 9.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है TVS क्रेडिट में। और आपका मंथली जो EMI आएगा, पहले मैं 2 साल के लिए बता रहा हूँ, 5,958 रुपीज़, ऑलमोस्ट आपका 5,960 रुपया के आसपास आपको 2 साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है। आप अगर 30 महीने के लिए लेंगे, मतलब 2.5 ईयर्स के लिए लेंगे, तो 4,970 रुपया के आसपास। 30 महीने के लिए हर महीने EMI आने वाला है, 4,970 रुपीज़ के आसपास आपको 30 महीने के लिए हर महीने EMI आने वाला है। और आप अगर 36 महीने के लिए लेंगे, मतलब 3 साल के लिए लेंगे, तो 4,400 रुपया के आसपास आपको 3 साल के लिए हर महीना EMI आने वाला है, 4,400 के आसपास आपको 3 साल के लिए हर महीना EMI आने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 9.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 38,000 डाउन पेमेंट पे, वो भी TVS क्रेडिट का फाइनेंस स्कीम। अभी जो फाइनेंस स्कीम बताऊंगा इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सबसे कम है, लेकिन इसमें थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन भी है, तो टर्म्स एंड कंडीशन में को आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको डाउन पेमेंट बता देता हूँ। ये जो फिनेंस स्कीम है ये है L&T का। L&T में आप अगर 48,400 रुपीज़ डाउन पेमेंट करते हो इस बाइक को लेने के लिए, तो आपको जो है ये बाइक सबसे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सकता है, और इससे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जो है आपको शोरूम पे आना पड़ेगा, आपका सिविल वगैरह जो है वो चेक किया जाएगा, आपका क्या डॉक्यूमेंट वगैरह है वो जो है चेक किया जाएगा, उसके बाद जो है आपको कंपनी स्कीम देगा। वो जो है बैंक का जो फाइनेंसर रहता है ना, तो वो हर बैंक का जो है डिफरेंट प्रोसीड्योर होता है। अभी जो ये 48,400 रुपीज़ डाउन पेमेंट है L&T का, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 7.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये बाइक मिल सकता है। लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो 48,400 रुपीज़ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो सिस्टम है उनका 24 महीने के लिए ही जो है, मतलब 2 साल के लिए ही जो है आपको 7.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये बाइक आपको मिलेगा। तो आप अगर 2 साल के लिए लेंगे, मतलब 24 महीने के लिए लेंगे, तो 5,215 रुपीज़, 5,215 रुपया के आसपास 2 साल के लिए हर महीने EMI आने वाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.99% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है L&T में, वो भी 48,400 रुपीज़ डाउन पेमेंट पे। लेकिन इसका टर्म्स एंड कंडीशन यही है, आपका जो सिविल है वो सिविल 750 प्लस होना चाहिए, तभी जो है आपको 7.99% पे ये स्कीम जो है मिलने वाला है। आपका सिविल अगर पहले से है और वो 750 से ऊपर है, तभी जो है ये स्कीम आपके साथ जो है लागू हो सकता है। और बाकी आपको अगर ऐसा और भी स्कीम जानना है, आप अगर वेस्ट बंगाल में रहते हो, तो वेस्ट बंगाल में अगर आप रहते हो तो आप डेफिनेटली आपका नियरेस्ट यूनिवर्सल TVS में ज़रूर आप विजिट करो, वहाँ पे और भी स्कीम जो है आपको बताया जाएगा, तो वो जो है आपके लिए जो है सबसे सही होगा। मेरा हिसाब से मेरे को जितना स्कीम, मतलब मैं जितना हो सके आपको जो है कंफर्टेबल स्कीम जो है बना के अभी आपको दिया। और L&T में आपको जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो है वोटर कार्ड, आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, आपका बैंक स्टेटमेंट थोड़ा सही होना चाहिए, उससे और भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको जो है स्कीम मिल सकता है। और ATM कार्ड आप जरूर कैरी कर लेना, और 1 से 2 कॉपी फ़ोटो भी आप जरूर कैरी कर लेना। बाकी इसको छोड़ के आपको अगर अदर कोई भी फिनेंस स्कीम जानना है, तो डेफिनेटली आपका नियरेस्ट TVS का डीलर के पास आप जाओ, वहाँ पे जाके विजिट करो, वहाँ से आप स्कीम पता करो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला। और ये ऑल न्यू TVS अपाची RTR 162 भी आपको कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ राइड, टाटा गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइज, टाटा।